रागिनी ने पिछले साल प्रेम विवाह किया था। वह और उसका पति नागपुर शहर में किसी कंपनी में काम करने के लिए गए। रागिनी के भागकर शादी कर लेने की रिपोर्ट उसकी माता पिता ने थाना गरियाबंद में कराया था, क्योंकि रागिनी नाबालिग थी। 7-8 माह के बाद पुलिस वालों ने उन दोनों को खोजकर गरियाबंद थाना में पेश किया। उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। रागिनी का केस किशोर न्याय बोर्ड में पेश हुआ। लड़की की मां ने उसे अपने पास रखने से मना कर दिया, क्योंकि उसने तो शादी कर ली थी। तब लड़के के मां ने रागिनी को यह सोचकर अपने साथ रखने का निर्णय लिया कि मेरा बेटा 1 सप्ताह में छूट जाएगा, और जब नहीं छूटा तब यही ताना देकर उसे परेशान किया करती थी। गंदा गंदा गाली भी देती थी मेरे को। मैं कमरा में रहती थी और क्या बोलते अपना खुद जाके लाइन वाइन को बंद कर देती थी, पंखा चालू करती थी पंखा भी बंद कर देती। अभी तू कहाँ रह रही है? अभी अपने माँ के यहाँ रह रही हूँ। माला विकास में आए थे तो उसे ले जा कर के लिखित नामा में भिजवा है यहाँ पर। हाँ। अपने मम्मी घर रहना है अपने गांव में, तो अब अपने माँ का बात मानेगा या अपने मर्जी से चलेगा उसके ऊपर है वो। तो बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा हुआ था उसका मृत्यु हो गया। रागिनी का कहना है कि जब वो बालिक होगी तो बयान देगी, जिसके बाद उसका पति जेल से छूटेगा और दोनों साथ रहेंगे कहीं दूसरे जगह। लेकिन उसे ये डर भी है कि उसका पति अपने माँ का बात मानकर उसे छोड़ ना दे। कि वो लड़का है उसका जिंदगी बार बार बन सकता है, मेरा नहीं बन सकता ना जिंदगी, उसके साथ बिताना चाहती हूँ।